ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। जिस दिन वो शाम को चले थे कि हम घर आएंगे सुबह इनको छोड़ देंगे घर पे, लेकिन घर पे तो छोड़ा नहीं। हाँ, तिरुआ से मतलब ये लेके चले गए, पता नहीं कहाँ ले गई कहाँ नहीं ले गई। नाती मना कर रही थी कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, तो पुलिस वाले बोलते तो हुआ कैसे नहीं, तब उन्होंने वो दिखाया उसका वीडियो। ये बताइए कि आपके साथ जो पीड़िता हैं वो कब से रह रही थी और यहाँ पर स्कूल की दो साल से पढ़ रही थी। अभी मम्मी पास पापा के पास चली गई थी अभी। अच्छा। 2 महीने पहले। 2 साल से पढ़ रही जी। तो अभी जब ये घटना हुई उस दौरान वो आपके साथ थी या दिल्ली में थी या कहाँ पर थी? अपनी मम्मी पापा के पास। अच्छा, उनकी जो सो कॉल्ड बुआ कही जा रही हैं, जो इस समय फरार हैं, है नहीं, उनको क्या आप जानते थे आप लोग, या कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? बुआ क्या, हमारी बेटी तो थी। जो 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 उनके साथ में थी जो उस दिन, वो आपकी बेटी थी? अच्छा, तो वो बुआ जो थी वो उनके साथ में गई थी, तो क्या बुआ ने बताया कि कहाँ पर गई हैं, क्या गई, किस तरीके? भाई ने बोला था, वहाँ से भेजा था, भाई भी वहीं रहता है। हाँ। कि मम्मी के पास छोड़ देना जाके यहाँ हमारे पास। अच्छा। मतलब हमारे बेटे ने बोला था। अच्छा। कि मम्मी के पास ले जाना और इनको यहाँ छोड़ देना मम्मी के पास। हाँ। और वो वहाँ से लेके आई, घर सीधी नहीं आई। अच्छा। लखनऊ चली गई। अच्छा। वो बुआ मतलब आपकी बेटी ही थी? जी। अच्छा। तो फिर उसके बाद आप लोगों की कोई बातचीत हुई उनसे? नहीं, बातचीत नहीं। यहाँ पर पढ़ाई करती थी जी। अच्छा, जिस तरीके से ये नवाब सिंह हैं जो जिन पर आरोप हैं, वो जिनका रसूख जिस तरीके से है, जो बड़े नेता हैं, अब ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या सोचना है, कितनी आपको लगता है कि कोई ऐसा बात या आता है? भैया हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, हमारा दिमाग नहीं काम करता, हम मरीज आदमी, हमसे कुछ बोला नहीं जाता ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, हम दादा से भी बात कर लेते हैं। दादा ये बताइए कि जो पीड़िता है वो यहाँ पर कितने समय से रह रही थी और किस तरीके से आप लोग फिर वो दिल्ली जाती थी और यहाँ आती थी, कब कब रहता? सर हमारे पास यहाँ 2 साल से रह रही थी और यहाँ पढ़ रही थी। इन साल जो है 9th का पेपर दिया था, हाई स्कूल में जाती 10वें में। अभी अपने मम्मी पापा के पास में चली गई थी छुट्टियों में, जून में। अच्छा। तो मम्मी पापा पास में रह रही थी, तो पापा ने बोला कि बेटा ऐसा करो तुम दादा भाभी के पास, बाबा के पास चली जाओ, वहीं एडमिशन करा लेना, वहीं पढ़ना। लड़की हमारी थी दिल्ली, तो ये अपनी बुआ के यहाँ लड़का हमारा छोड़ आया। मतलब बुआ मतलब जो उनके साथ में थी? हाँ जी। वो कहाँ रहती थी? वो दिल्ली। वो भी दिल्ली में? हाँ। अच्छा, यानी कि आपका जो लड़का बहू और बुआ वो भी दिल्ली में? हाँ, मतलब अलग अलग है ना। अलग-अलग। हमारा लड़का किराए पर रहता है। अच्छा। और उनका दिल्ली में मतलब खुद का मकान है। अच्छा, खुद का। हाँ जी। तो वो बुआ के साथ यहाँ आई थी? हाँ जी, बुआ के साथ आई थी। तो यहाँ तिरुआ तक आई, उन्होंने घर पे नहीं छोड़ा, पता नहीं कहाँ लेके चली गई। नहीं, तिरुआ तक साथ में आई थी, उसके बाद मतलब आपको बताया था कि हम घर आ रहे हैं? हाँ, ये तो बताया कि मतलब जिस दिन वो शाम को चले थे कि हम घर आएंगे सुबह इनको छोड़ देंगे घर पे, लेकिन घर पे तो यहाँ छोड़ा नहीं। अच्छा। हाँ, तिरुआ से मतलब ये लेके चले गए, पता नहीं कहाँ ले गई कहाँ नहीं ले गई। आप लोगों ने फोन उन मिलाया उसके बाद पूछा? नहीं, फोन है हमारे पास नहीं। जब तो पूछा था कि कहाँ हो, तो बोली आ जाएंगे सुबह, आ जाएंगे शाम को, आ जाएंगे। तो चलो, यहाँ नहीं थी मतलब कन्नौज में? कन्नौज ही में थी, पता नहीं अभी कन्नौज से बोल रही थी कि लखनऊ से बोल रही थी, हमसे ये हम बता नहीं सकते। जो फोन हमने किया था तो कह रही थी आ जाएंगे, अभी आज आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। सुबह सुबह करते करते ये सब ड्रामा हो गया। लेकिन वो उनकी सगी बुआ थी मतलब? हाँ जी, सगी बुआ। हाँ। तो वो जब वहाँ पर जैसे कि नवाब सिंह जो है
वो वहाँ पर जब पहुँची थी, चाहे वो किस काम के लिए पहुँची थी या किस तरीके से बताया, नौकरी के नाम पे जो भी चीज़ें थी, तो क्या इसकी जानकारी कुछ आप लोग को पता चली थी? नहीं सर, हमको इसके बारे में कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। और नवाब सिंह जिस तरीके से रसूख है उसका, जिस तरीके से अब आप लोग किस स्थिति में हैं कि क्या हो सकता है, क्या संभावना? हमको सर न्याय मिलना चाहिए, खाली ना न्याय होना चाहिए इसका। किसी, चूँकि आप लोग भी एक ऐसी जगह रहते हैं, अब ऐसी स्थिति में क्या परिस्थिति होती है? अब जो कुछ सर होना होगा वो तो हो गई। हाँ, अब हम तो यहाँ अकेले पड़े रहे थे, हम और घर से और कोई है नहीं घर पे, बुजुर्ग आदमी। जब ये घटना हुई उसके बाद आपको पता चला, उस दौरान कुछ पता चला, जब ऐसी घटना हुई या सुबह पता चला? नहीं, इतने टाइम पुलिस आई थी तब हमको लेके यहाँ तक चली गई कन्नौज। हाँ जी, दोनों आदमी। पुलिस ने क्या कहा आपसे कि क्या घटना हुई? हमने यहाँ पूछा था, कुछ बताया ही नहीं। अच्छा। कन्नौज सीधी लेके चली गई थी और वहाँ पे लड़की थी, नातिन हमारी। अच्छा। हाँ, तो जांच के लिए कह रहे थे क्या वो करवाओ जांच। हाँ, मेडिकल। तो नातिन मना कर रही थी कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो पुलिस वाला का, पुलिस वाले बोलते थे हुआ कैसे नहीं। तब उन्होंने वो दिखाया उसका वीडियो। हाँ, तो ऐसे मालूम हुआ हमको। अच्छा। वो जो एक वीडियो हम लोगों को दिखा, जो सबको दिखा, सबके पास जो पुलिस ने भेजा था, वही वाला दिखाया था कि दूसरा? नहीं नहीं, वही वाला। पहले ये भी था क्या, पीड़िता ये चाह रही थी कि मेडिकल हो या ना, इस तरीके की बातें थी? बुआ ने कहा कि ना हो इस तरीके से कुछ? अब ये तो हम बता नहीं सकते सर, हमारे सामने तो बोला नहीं उन्होंने। हमसे मुलाई कार नहीं हो इनकी। जब यहाँ पे वो रहती थी तब कोई ऐसी मुलाकात, बातचीत कभी, कोई ऐसी नौकरी लगाने की या इस तरीके की बातचीत? नहीं, कोई बातचीत नहीं। तब यहाँ पर बुआ आती थी मिलने, जब बेटी यहाँ रहती थी? यहाँ यहाँ दो तीन महीने में आती थी, एक दो दिन ही दिए, इसके बाद चली जाती थी। हाँ, यहाँ रुकती नहीं। बुआ करती क्या थी, कुछ पता है आप? ये सर ये वाजपेयी, वाजपेयी थी। हाँ, पार्टी में थी और जो कुछ इनकी नेता के लिए करती होंगी, करती होंगी, हमको मालूम नहीं। अच्छा। और जब ये घटना हुई उस बारे में भी आपको पता नहीं चला? नहीं जी, कुछ नहीं पता हमें। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? हम तो सर न्याय चाहते हैं, न्याय होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो आरोप जिस पर हैं वो बताते हैं बड़ा नेता है, बड़ा चीजें हैं, बड़ा रसूख है, तो ऐसे में आपको लगता है कि कितना संभावना है न्याय आपको मिलेगा? सर हम क्या बताएं, अब देखो न्याय मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा नहीं ठीक। क्या आपकी कोई पीड़िता से बात हुई या उनसे, बुआ से बात हुई? नहीं सर, हमसे कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई, हमारी मुलाई कार नहीं हुई। हमारे पास फोन है, उन भी नहीं है, छोटा वाला फोन था वो भी चला गया। किसी से बात नहीं हो पा रही है? नहीं सर। अच्छा, और दिल्ली में भी बात नहीं हो पा रही, यहाँ भी नहीं? नहीं, यहाँ भी नहीं, और दिल्ली में भी आए, बड़ा बेटा है उसके पास भी फोन है, फोन नहीं हमारे पास, जो हम किसी के पास फोन कर रहे हैं फोन चला गया है, वहाँ पुलिस वालों ने ले लिया था, तब फोन मिला ही नहीं मुझे। अच्छा, अच्छा, अभी ये बुआ कहाँ है कुछ पता चला है? सर इसके बारे में हमको कोई पता नहीं, ये कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं यार। दो तीन दिन से बच्चों का पता नहीं, तो उनका पता कहाँ से होगा? उसी दिन मैंने देखा था वहीं कन्नौज में, तब वहीं थी, जब भी देखा था, जब से हम लोगों को पता। आप पुलिस कह रही इसमें बुआ की भी जो वो संदिग्ध है, इसमें उनकी भी जो भूमिका है वो ऐसी है कि उन्होंने भी कोई तरीके से षड्यंत्र करके वहां तक पहुंचाया, इस बारे में भी पुलिस कह रही है कि बुआ की भी जो भूमिका है वो संदिग्ध है, मतलब उन्होंने इसको एक तरीके से षड्यंत्र किया और नाती को वहां ले गई। क्या कहाँ क्या किया हमारी समझ में नहीं, मतलब षड्यंत्र किया एक तरीके से, उनका मानना है कि उन पर भी आरोप है, बुआ पर भी। आप क्या कहेंगे इसको लेकर?
हम क्या कहेंगे अब, जो जो होगा सो होगा, जो किया है तो हो गई, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते भैया। यानी कि आपको लगता है कि क्या यहाँ पर बुआ की भूमिका है इसमें, किस तरीके से वो जो है उनको लेकर गई, जहाँ तक पुलिस का मानना है वो अभी फरार हैं, अभी मिल नहीं रही हैं। हम डर इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, ये कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ मालूम ही नहीं हमको। बेटा वहाँ रह रहा, उसके पास भी फोन हम नहीं कर पा रहे हैं, जब फोन ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, फोन था वो भी चला गया, वहाँ ले लिया कन्नौज। आप लोगों कोई डर किसी तरीके का? नहीं। अब डर है तो ठीक है, तो ठीक ना है तो ठीक, क्या करें, रहना तो भाई। कोई मदद, कोई कहना चाहिए? नहीं जी, कुछ नहीं है। तो ये पीड़ित परिवार यानी पीड़िता के कहीं ना कहीं दादा दादी हैं, बाबा दादी हैं, और ऐसे में मानना यही है साफ तौर से कि न्याय चाहिए इनको किसी भी तरीके से मिले। अब ऐसे में किसकी भूमिका संदिग्ध है, कौन इसमें आरोपी है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द इनको भी है और परिस्थितियों का सामना ये भी कर रहे हैं।